चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर का पक्ष लेकर डबल गेम खेलना शुरू कर दिया है। 24 फरवरी को जब जंग की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक चीन ने एक बार भी रूस की आलोचना नहीं की। यही नहीं, खबर आई है कि रूस ने सबसे पहले चीन से ही मदद मांगी थी। लेकिन अब जिनपिंग की चाल पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को अपने पाले में रखने की है। मतलब वो ये चाहते हैं कि उनके दोनों हाथों में लड्डू हो। एक ओर वो रूस से दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यूक्रेन में दवाइयां और दूसरी चीजें भेजकर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना की ओर से वहां दवाइयों की खेप भेजने की तस्वीरें भी आईं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को दिखाने के लिए यूक्रेन की मदद भी कर रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। खबर है कि एक दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी की रूस के विदेश मंत्री से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा था कि चीन उम्मीद करता है कि रूस और यूक्रेन की शांति वार्ता का नतीजा सीज़फ़ायर हो। इतना ही नहीं, डबल गेम खेलने के चक्कर में वांग यी ने यह भी कह दिया था कि चीन यूक्रेन में केवल और केवल शांति चाहता है और एक संतुलित सुरक्षा तंत्र पर जोर देता है। खबर है कि बातचीत के दौरान चीन ने रूस को पंचशील सिद्धांतों पर भी लंबा चौड़ा भाषण दिया था। ये वही पंचशील सिद्धांत है जिन्होंने 1954 में भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। ये समझौता भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चो अन लाई के बीच हुआ था, जिसके तहत 5 अहम बातों पर दोनों देशों में सहमति बनी थी, जिनमें पहली थी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना, दूसरी बात थी एक दूसरे पर हमला नहीं करना। पंचशील सिद्धांतों में एक और जरूर बात थी जो शामिल थी कि दोनों देश आपसी फायदे के लिए बराबरी रखेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आखिरी और सबसे जरूरी बात यह थी कि दोनों देशों का अस्तित्व शांतिपूर्ण तरीके से बना रहेगा। और चीन की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो ये चाहता है कि रूस और यूक्रेन भी इन्हीं सिद्धांतों पर काम करें। जिनपिंग के प्यादों ने पुतिन के मंत्रियों को इनके बारे में जानकारी भी दी थी। माना जा रहा है कि चीन ऐसा अपने आर्थिक फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि उनका काम ना रूस के बिना चलेगा और ना यूक्रेन के बिना। कहा जा रहा है कि इसी वजह से जिनपिंग बाइडेन को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही चीन की ओर से बयान जारी किया गया था कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होता नहीं देखना चाहता। युद्ध के कुछ दिन बाद से ही जिनपिंग का ये प्लान दुनिया को पता चलने लगा था। उन्होंने फ्रांस और जर्मनी के सामने शांति दूत बनने की कोशिश भी की थी।